हैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाता है कि आजकल कंपटीशन में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के नामों से संबंधित काफी प्रश्न रहते हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लाए हैं। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज, पंछियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑर्निथोलॉजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ द नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज, पंछियों के घोंसले का अध्ययन क्या कहलाता है? द आंसर इज नेडोलॉजी। यहां एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहला जाता है, लेकिन बर्ड्स के घोंसले का अध्ययन नेडोलॉजी कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ फिशेज इज नॉन एज, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इज इक्थायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? आंसर होगा इंसेक्ट्स, कीट, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पिस्सिकल्चर इज, पिस्सिकल्चर किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फिशेज, यानी मत्स्य पालन का अध्ययन पिस्सिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी इज, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर इज स्नैक्स, सांपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर इज सॉयल, मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी ऑफ अल्गी इज नॉन एज, शैवालों का अध्ययन क्या कहता है? आंसर इज फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर इज माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आंसर इज लिजार्ड्स, छिपकली, यानी छिपकली के अध्ययन को सरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर इज फ्लावर्स, फ्लावर्स का स्टडी एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एपिकल्चर इज द स्टडी ऑफ, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया है। द स्टडी ऑफ बी कीपिंग इज नॉन एज एपिकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज नॉन एज, रेशम कीट पालन कहलाता है? सेरिकल्चर, यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिल्विकल्चर इज, सिल्विकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी ऑफ वायरसेस इज, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इज वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स यील्डिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों की खेती कहलाती है? पुष्पीय पौधों की खेती क्या कहता है? फ्लोरिकल्चर।
Question number 18. Cultivation of vegetables is known as. सब्जियों की खेती कहलाती है ओलेरिकल्चर. क्वेश्चन नंबर 19. स्टडी ऑफ सेल्स इज नॉन एज. कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी. अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. स्टडी ऑफ हार्ट इज. हृदय का अध्ययन क्या कहता है. आंसर इज कार्डियोलॉजी. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.